आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक चटपटा स्नैक्स की रेसिपी जो अभी बहुत ट्रेंड में चल रहा है। तो मैंने इसे कुछ डिफरेंट तरह से ट्राई किया और इसका टेस्ट पहले से भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। तो चलिए देख लेते हैं वो कैसे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मॉडर्न फूडीज। चलिए शुरू करते हैं। पहले पास्ता को थोड़ा नमक देकर बॉयल कर लेना है। आप पास्ता की जगह मैक्रोनी भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसे बॉयल करने के बाद पानी से थोड़ा धो लीजिए और पानी से धोने के बाद इसे स्ट्रेन कर लीजिए ताकि इसमें ज़्यादा पानी ना रहे। अभी तेल को गर्म करके इन पास्ता को उसमें फ्राई करना है। इसको लो से मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है। और एक चीज़, इसको ज़्यादा भी फ्राई नहीं करना है, नहीं तो इसका टेस्ट खराब भी हो सकता है। अभी ये पास्ता फ्राई हो गया है। अभी इसे उठाकर एक प्लेट में ले लेते हैं। अभी इसमें डालना है थोड़ा फ्राई किया हुआ मूंगफली और उसके साथ फ्राई किया हुआ काजू। इन दोनों को मैंने पहले से ही थोड़ा फ्राई करके रखा था। इनको ज़्यादा भी फ्राई नहीं करना है, एकदम हल्का सा ही करना है। अभी इन सबको एक साथ अच्छे से मिला लीजिए। अभी इसमें डालना है थोड़ा सा काला नमक, उसके बाद थोड़ा सा नींबू का रस। नींबू के रस से इसमें थोड़ा खट्टापन आएगा और इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा मैगी मसाला। आप चाहे तो चाट मसाला और मैगी मसाला दोनों को भी डाल सकते हैं और कोई एक को भी डाल सकते हैं। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ रेड चिली फ्लेक्स, जिससे इसमें एक तीखापन आएगा। अभी इन सबको बहुत ही अच्छे से मिलाना है। नींबू का खट्टापन और चिली फ्लेक्स का तीखापन इसका टेस्ट और भी कई गुना बढ़ा देता है। तो तैयार हो गया है हमारा फ्राइड पास्ता स्नैक्स। अभी इसको सर्व कर दीजिए गरम गरम चाय और कॉफ़ी के साथ। एकदम इजी तीन तरह की कॉफ़ी की रेसिपी और तंदूरी टी की रेसिपी मैं ऊपर कार्ड पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे रही हूँ। आप चाहे तो उन्हें चेक कर सकते हैं। आशा करती हूँ ये स्नैक्स सबको बहुत ही अच्छा लगेगा। आपको ये स्नैक्स कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इसी तरह चटपटा सा रेसिपी मैं मेरे चैनल पे हर अल्टरनेट डे पे ठीक शाम को 7 बजे अपलोड करती हूँ। और वीकेंड स्पेशल रेसिपी हर सैटरडे और संडे कोई भी डे पे ठीक दोपहर 3 बजे अपलोड करती हूँ। इसका सब नोटिफिकेशंस तुरंत पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर देना और सबके साथ शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।